कि बीजेपी चुनावों में गड़बड़ करती है। अक्सर आरोप लगते थे कि बीजेपी चुनाव गड़बड़ करके जीतती है, बीजेपी चुनाव वोटों की चोरी करती है, ईवीएम में हेरा फेरी करती है, वोटर लिस्ट में से नाम कटवा देती है। नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दिल्ली में शुक्रवार को यानी आज आम आदमी पार्टी और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन किया। आपने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यालय को घेरने का प्रयास किया। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने शराब घोटाले को लेकर आपके ऑफिस के आगे प्रदर्शन किया और ईडी ने शराब घोटाले में पूछताछ के लिए आपको बता दें आज अरविंद केजरीवाल को बुलाया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल वहां नहीं गए और अरविंद केजरीवाल को पांचवा सम्मान आ चुका है। केजरीवाल पंजाब के सीएम भगवंत मान और हरियाणा के पार्टी नेताओं के साथ भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए। केजरीवाल ने कहा कि चंडीगढ़ में हमारी पार्टी का मेयर बने या बीजेपी का हमें फर्क नहीं पड़ता, पार्टियां तो आती जाती रहती है, लेकिन देश के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। भाजपा ने चुनाव के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। अगर भाजपा चंडीगढ़ मेयर जैसे छोटे चुनाव में इतनी बड़ी गड़बड़ी कर सकती है तो लोकसभा चुनाव में पता नहीं क्या करेगी। ये सत्ता के लिए देश को भी बेच सकते हैं। चंडीगढ़ का चुनाव दिखाता है कि इनके पाप का घड़ा भर चुका है और जब पाप का घड़ा भर जाता है तो प्रकृति अपनी झाड़ू चलाती है। देखिए इस रिपोर्ट में उन्होंने क्या कुछ कहा। माता की इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से हम लोग अक्सर ये सुना करते थे कि बीजेपी चुनावों में गड़बड़ करती है। अक्सर आरोप लगते थे कि बीजेपी चुनाव गड़बड़ करके जीतती है, बीजेपी चुनाव वोटों की चोरी करती है, ईवीएम में हेरा फेरी करती है, वोटर लिस्ट में से नाम कटवा देती है, फर्जी नाम जुड़वा देती है। हम सुना करते थे कि फर्जी वोट पड़वाती है, ऐसे सुनते थे, लेकिन कभी सबूत नहीं मिला। गीता में एक श्लोक लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब इस पृथ्वी के ऊपर बहुत ज्यादा पाप हो जाता है तो फिर ऊपर वाले को पृथ्वी के ऊपर आना पड़ता है। तो ऊपर वाले को पृथ्वी पे आना पड़ता है का मतलब ये नहीं कि भगवान को आना पड़ता है। भगवान अपने तरीके से ऊपर आसमान में बैठ के झाड़ू चलाता है। ये जो चंडीगढ़ का चुनाव है ये दिखाता है कि इनका पाप का घड़ा कैसे भर गया था। जब पाप का घड़ा भर जाता है बहुत ज्यादा तो फिर प्रकृति अपनी झाड़ू चलाती है, भगवान अपनी झाड़ू चलाता है, चीजों को ठीक करता है। चंडीगढ़ का चुनाव कहने को तो छोटा सा चुनाव था, 10x10 किलोमीटर का एक छोटा सा शहर है, मेयर का चुनाव था, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी चंडीगढ़ के चुनाव में वोटों की चोरी करते हुए पकड़ी गई, रंगे हाथों पकड़ी गई। दोस्तों, गली गली में शोर है, भाजपा वोट चोर है। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, पूरे देश में शोर है। तो दोस्तों, चंडीगढ़ में ये पकड़े गए, रंगे हाथों वीडियो के ऊपर पकड़े गए, वीडियो के ऊपर। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, एक बारी मेरे को बोल लेने दो, अभी रुक जाओ। मैं थोड़ा सा, जिन जिन लोगों को चंडीगढ़ वाला किस्सा नहीं पता, मैं पूरा किस्सा सुना देता हूं। चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव होना था, जैसे दिल्ली में मेयर का चुनाव होता है,
चंडीगढ़ में जो चुने हुए काउंसलर हैं, वो काउंसलर वोट डालते हैं और अपने मेयर को चुनते हैं। चंडीगढ़ में 36 मेयर हैं, 36 काउंसलर हैं, 36 में से 16 काउंसलर बीजेपी के, 20 काउंसलर इंडिया गठबंधन के। तो जाहिर तौर पे इंडिया गठबंधन का मेयर डिप्टी मेयर बनना था, इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी थी। लेकिन इन्होंने बदमाशी क्या करी, जो चुनाव अधिकारी है, चुनाव करने वाला प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, वो इन्होंने बीजेपी के एक कार्यकर्ता को बना दिया। अब बीजेपी का कार्यकर्ता वहां बदमाशी नहीं करेगा तो और क्या करेगा। उस बीजेपी के कार्यकर्ता ने वोट तो डलवाई, लेकिन जब काउंटिंग करने बैठा तो ये प्रैक्टिस है कि भाई सारी पार्टियों के जो एजेंट है वो सामने आके बैठते हैं और हर वोट देखा जाता है। उसने एक भी काउंटिंग एजेंट को अपने सामने नहीं बैठने दिया, सबको भगा दिया, एक सबको भगा दिया उसने, और उसने खुद ही काउंटिंग करी। और काउंटिंग करते टाइम उसने इंडिया गठबंधन के 8 वोट उसमें गलत सलत निशान लगा के उनको इनवैलिड कर दिया। तो हमारे 20 वोट थे, 20 में से 8 इनवैलिड कर दिए, 12 वोट पड़े हमारे और उनके कहता है 16 वोट पड़े। आपको बता दें चंडीगढ़ में भाजपा ने जीता मेयर का चुनाव। दरअसल 30 जनवरी को हुए चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी को जीत मिली थी। आपका आरोप है कि भाजपा ने धोखाधड़ी करके जीत दर्ज की। चुनाव अधिकारी ने जानबूझकर उनके वोट को अवैध करार दे दिया। इसको लेकर आपने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है। 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारी हिरासत में ले लिए गए हैं। अगर आपके मुताबिक 150 और भाजपा के 60 प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। प्रदर्शन को देखते हुए सुबह से आप और भाजपा दफ्तर समेत पूरे दिल्ली में भारी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। आप कार्यकर्ताओं को दिल्ली आने से रोकने का आरोप केजरीवाल और आप नेताओं ने पुलिस पर प्रदर्शनकारियों को दिल्ली आने से रोकने का आरोप लगाया है। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर लिखा कि दिल्ली में आपके विधायकों, पार्षदों और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। ये लोग पार्टी कार्यालय आ रहे थे और ये क्या सब हो रहा है। दिल्ली सरकार में मंत्री अतीसी ने अपने पोस्ट में लिखा कि कुंडली विधायक कुलदीप कुमार के ऑफिस के बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी ताकि उन्हें विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से रोका जा सके। अब क्या शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में भाग लेना भी अपराध है। ऐसे में अतीसी कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर हमलावार और वहां के प्रशासन के ऊपर हमलावार होती हुई नजर आई। लेकिन आपकी इस पे क्या कुछ राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।